सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए और उनको शेयर करने के लिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ, उन पे कमेंट करने के लिए, उनको लाइक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 सैंडविच की रेसिपीज गाइज। कभी कभी क्या होता है कि हम सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं अपने काम पर जाने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, तो सैंडविच एक ऐसी चीज़ है जो बहुत क्विकली बन के रेडी हो जाती है। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेट लॉस सैंडविचेस जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और आपको वेट लॉस भी देंगे। मॉर्निंग में आपको बिना ब्रेकफास्ट के कभी भी कहीं नहीं जाना चाहिए, हमेशा अपना ब्रेकफास्ट जो है वो टाइम पर लेना चाहिए और ज़रूर लेना चाहिए, कभी भी ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए। तो इवन इफ आप जल्दी में हो, आप एक सैंडविच जो है वो ज़रूर खा के जाइए। आप इसको अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या वर्किंग है, तो आप इसको स्कूल, कॉलेज या अपने ऑफिस में पैक करके भी लेके जा सकते हैं। ये बहुत इजीली आप पैक करके भी ले जा सकते हो, बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है और बहुत ज़्यादा डिलिशियस होता है खाने में। मैं मोस्टली अपने ब्रेकफास्ट में अपनी मल्टीग्रेन वेट लॉस रोटी लेती हूँ सीजनल वेजिटेबल के साथ, लेकिन कभी कभी आप बहुत बोर हो जाते हो वही सेम चीज़ रिपीटेटिव खाते हुए, तो कभी कभी हफ्ते में एक या दो बार मैं अपने वेट लॉस रोटी को छोड़कर ये सैंडविच खाती हूँ। तो मैं 5 सैंडविचेस की रेसिपी लाई हूँ आपके लिए, आप इनमें से कोई भी बदल बदल कर हफ्ते में एक या दो बार सैंडविच भी अपने ब्रेकफास्ट में या फिर आप लंच में भी ले सकते हैं गाइज। इससे पहले मैं लेकर आई थी अपनी होममेड ब्रेड की रेसिपी, ये रेसिपी है, आप इसको जाके ज़रूर देख सकते हैं। आप घर पे ही होल व्हीट ब्रेड बना सकते हैं, वेट लॉस ब्रेड बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं वो मैंने इसमें आपको बताया है। और आप अपने सैंडविचेस पे कभी भी कोई भी मार्केट की सॉसेस, कोई केचप, कोई स्प्रेड, कोई मेयोनीज बिल्कुल मत यूज़ करिए। आप इस पे यूज़ करिए ये मेरी होममेड चटनी की, तीनों में से कोई भी चटनी की रेसिपी आप उठा लो और वो आप इसमें ज़रूर यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देगी आपके सैंडविच को गाइस। अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस आप करोगे ना, तो आप देखिए आपके वेट लॉस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप हेल्दी चीज़ों पे स्विच ओवर कर जाओगे, मार्केट की थोड़ी सी मेयोनीज या थोड़ी सी सॉस या थोड़े से स्प्रेड से ही आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। देखिए गाइस, मुझसे लोग पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ बता दो कि बस फटाफट मेरा वेट लॉस हो जाए। ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है दुनिया में जिससे, कोई जादू की छड़ी नहीं आती है जिससे फटाफट वेट लॉस हो जाए। हाँ, एक चीज़ आती है, मेहनत और डेडिकेशन जो सालों से आ रही है वो आप ज़रूर करिए। मेहनत करोगे, डेडिकेशन करोगे, डेडिकेशन के साथ करोगे तो ज़रूर आपका वेट लॉस होगा ही होगा। कोई जादू की छड़ी नहीं आती है फ्रेंड्स, सिर्फ मेहनत और डेडिकेशन है। छोटी छोटी चीज़ों से आप शुरुआत करो, आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। तो देखते हैं इसकी रेसिपी। गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना हंग कर्ड सैंडविच बना रही हूँ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये बहुत यमी टेस्ट करता है। एक बोल ले लिया है मैंने, उसमें मैं चॉप्ड अनियन ले रही हूँ, चॉप्ड टमाटर ले रही हूँ, चॉप्ड कैप्सिकम और ये ग्रेटेड कैरेट है। 2 से 3 टेबलस्पून घर पे जमाई हुई दही ली है मैंने लो फैट की, इसको कपड़े में बांध कर पानी निकाल लिया था मैंने, हंग कर्ड है ये। थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा पेपर डाल रही हूँ यहाँ पे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सारा का सारा। बस दैट्स इट, ये फिलिंग बन गई हमारे सैंडविच की। अब ये ब्रेड ले लिया मैंने, होममेड होल व्हीट ब्रेड है गाइस ये, इसको स्टफ कर देंगे हम। बस दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब इसको हम ग्रिल कर देंगे ग्रिलर में, थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा सा ऊपर भी लगा देंगे एंड अब इसको ग्रिल कर लेंगे। रेडी है गाइस हमारा यमी हंग कर्ड सैंडविच, इट इज वेरी वेरी यमी, डू ट्राई इट। गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा एग सैंडविच, बहुत ही ज़्यादा फिलिंग होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें हमें सिर्फ 2 एग्स का एग वाइट लेना है, इस तरीके से मैं सेपरेट कर रही हूँ एग योक और एग वाइट को। बस दैट्स इट, एक पैन ले लिया है मैंने यहाँ पे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे यहाँ पे।
ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ मैं, हाफ अनियन चॉप करके, हाफ कैप्सिकम चॉप्ड, ग्रेटेड कैरेट ले रही हूँ। बस इसको अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बस दैट्स इट। इसको अच्छे से मिक्स करके हम सॉटे कर लेंगे। इसको स्प्रेड कर दूंगी पैन पे मैं, और ये जो हमारे एग वाइट्स हैं इसको इसके ऊपर पूरा पोर कर देंगे। इसको थोड़ा प्रॉपरली स्प्रेड कर देंगे पूरे पैन पे, और जब ये कुक हो जाएगा तो इसे फ्लिप कर देंगे हम, और दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लेंगे। दैट्स इट गाइस, ये रेडी हो गया हमारा ऑमलेट। वाओ सो नाइस। अब इसको कट कर लेंगे हम। ये रही हमारी होममेड होल व्हीट ब्रेड। अब इसके ऊपर मैं घर की बनी हुई ग्रीन चटनी स्प्रेड कर दूंगी। कोई भी चटनी आप इसके ऊपर लगा लीजिए, बट कोई भी स्प्रेड्स नहीं यूज़ करिए गाइस। अब ये जो ऑमलेट हमने प्रिपेयर करा है, ये इसको पूरा हम इसके अंदर फिल कर देंगे और इसको हम ग्रिल कर लेंगे। तो ये रहा हमारा ग्रिलर, इसके अंदर हम सैंडविच को ग्रिल कर लेंगे अच्छे से। दैट्स इट, रेडी है हमारा एग सैंडविच। इट इज़ वेरी फिलिंग एंड वेरी वेरी यमी। गाइज नेक्स्ट आता है हमारा वेजी सैंडविच। उसके लिए मैंने स्लाइस टमाटो, स्लाइस क्यूकम्बर और स्लाइस अनियंस ले लिए हैं, और ये बहुत पतली सी स्लाइस मैंने यहाँ पे पनीर की ले ली है, और ये पनीर मैंने घर पे बनाया है। आप मार्केट से लो फैट पनीर ले सकते हैं। अब ये दो ब्रेड स्लाइसेस ले लिए मैंने, इस पर ग्रीन चटनी को स्प्रेड कर रही हूँ मैं दोनों स्लाइसेस पे। अब अपनी वेजीज जो हमने स्लाइस करके रखी थी वो हम अपने ब्रेड स्लाइसेस पे लगा देंगे। अनियन के रिंग्स निकाल के रख रही हूँ मैं। अब ये आ गया हमारा क्यूकम्बर। अब थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया है, बिल्कुल एक चुटकी, और थोड़ा पेपर डाल देंगे इस पे। और ये आ गया हमारा पनीर का स्लाइस, थोड़ा पेपर और डाल देंगे। अब इसको हम ग्रिल कर लेंगे, थोड़ा घी लगाएंगे एंड दैट्स इट, इसको ग्रिल कर लेंगे। रेडी है हमारा मंची वेजी सैंडविच। इट इज डिलीशियस गाइस, डू ट्राई इट। नेक्स्ट आता है हमारा पनीर सैंडविच। मैंने एक पैन ले लिया, उसमें देसी घी डाल रही हूँ मैं एक चम्मच, ग्रीन चिली डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। इसको सॉटे कर लेंगे हम। एक चॉप्ड अनियन ले लिया है, थोड़ा सॉल्ट ले रही हूँ, इसको सॉटे कर लेंगे थोड़ा सा। ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये है पनीर, ये घर का बनाया हुआ पनीर है लो फैट मिल्क का। आप मार्केट से लो फैट पनीर भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप क्रम्बल करके या ग्रेट करके यूज़ करिए। ये ब्रेड स्लाइसेस हैं जिसके ऊपर मैं ग्रीन चटनी लगा रही हूँ अपनी। दैट्स इट, ये जो फिलिंग है हमारी, अब इसको हम स्टफ़ कर देंगे पनीर की फिलिंग को। बस दैट्स इट, अब इसको हम ग्रिल कर लेंगे। थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ मैं। गाइस ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा फिलिंग है, आपको इससे लंच तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, आप बहुत फुल रहेंगे इसको खाकर। दैट्स इट, रेडी है हमारा पनीर ग्रिल सैंडविच। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड फिलिंग सैंडविच है ये।
गाइज अब हम बना रहे हैं फ्रूट सैंडविच। आई एम श्योर बहुत कम लोगों ने ट्राई किया होगा इसको, पर ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। पहले हम दो ब्रेड स्लाइसेस को ग्रिल कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रिलर नहीं है तो आप इसको तवे पर भी कर सकते हो। थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे और ग्रिल कर लेंगे इसको। दैट्स इट, ये स्लाइसेस हमारे ग्रिल हो गए हैं। ये मैंगो, एप्पल और बनाना के स्लाइसेस कर लिए मैंने। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा पीनट बटर ले रही हूँ मैं। ये अनस्वीटेंड पीनट बटर है गाइज, इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं है। आप शुगर वाला पीनट बटर बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। इसको मैं ब्रेड स्लाइसेस पे स्प्रेड कर दूंगी दोनों के ऊपर। बस दैट्स इट। अब ये जो हमारे फ्रूट स्लाइसेस हैं हम इसको ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। पहले मैं मैंगो लगा रही हूँ। हेयर कम्स बनाना स्लाइसेस। अब इसके ऊपर एप्पल भी लगा देते हैं हम। अब ये बन गया है हमारा बहुत ही फिलिंग वाला सैंडविच। दैट्स इट, इट्स एब्सोल्युटली रेडी गाइस। तो कैसी लगी गाइज आपको सैंडविचेस की रेसिपीज? आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएंगी। कोई भी फीडबैक, कोई क्वेरी या कोई सजेशन हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करती हूँ। गाइज मेरे चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ जो बेल बटन है उसको भी जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ ऐसी ही डिलीशियस और वेट लॉस के लिए सुपर रेसिपीज एंड बहुत अमेजिंग डाइट प्लान्स जो आपको बहुत जल्दी वेट लॉस देते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप इंस्टा पे मुझे जरूर फॉलो करिए, ये है मेरा इंस्टा का आईडी। मिलती हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊंगी डाइट से रिलेटेड और बहुत सारी अमेजिंग सी या तो रेसिपीज या तो कोई डाइट प्लान। बाय गाइज़।